नमस्कार, इंडो टैप न्यूज में आपका स्वागत है। नमामि गंगे की परियोजना का जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने किया स्थलीय निरीक्षण। महोबा की पेयजल समस्या को खत्म करने की योजना पर काम। पेयजल संकट से जूझ रहे बुंदेलखंड के महोबा जिले में नमामि गंगे योजना के तहत 5 योजनाओं पर काम किया जा रहा है। योजनाओं के कार्य की प्रगति देखने के लिए यूपी के जल शक्ति मंत्री ने आज जिले के फुटेरा गांव पहुंचकर धरवरा सिजवाहा सहित अन्य पेयजल योजना का निरीक्षण किया। 978 करोड़ रुपए की लागत से तैयार की जा रही यह योजना महोबा जिले के 264 ग्राम पंचायतों की 11 लाख आबादी को लाभान्वित करेगी, जिससे पेयजल की समस्या से निजात मिल सकेगा। 70 सालों के बाद आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पानी की समस्या का समाधान होगा। संपूर्ण हिंदुस्तान में का कोई पुरसा हाल गरीबों का नहीं था, विशेषकर बुंदेलखंड यूपी में सर। उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड की ऐसी स्थिति थी कि लोग तीन तीन दो दो किलोमीटर भी महिलाएं पानी लेकर आती थी। यहाँ तक कि ट्रेन से भी पानी आता था। सपा बसपा शासन, कांग्रेस के शासन में लोग गरीबों तक पानी भी नहीं पहुँचने देते थे। सत्तर सालों के बाद आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पानी की समस्या का समाधान होगा। संपूर्ण हिंदुस्तान में का कोई पुरसा हाल गरीबों का नहीं था, विशेषकर बुंदेलखंड यूपी में, उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड की ऐसी स्थिति थी कि लोग तीन तीन दो दो किलोमीटर भी महिलाएं पानी लेकर आते थे। यहाँ तक कि ट्रेन से भी पानी आता था। सपा बसपा शासन, कांग्रेस के शासन में लोग गरीबों तक पानी भी नहीं पहुँचने देते। आज ये पानी सितंबर तक और 2024 तक सभी घरों को पानी, शुद्ध पानी और स्वच्छ पानी घर घर पहुंचेगा। व्यक्ति बीमार भी नहीं होगा और स्वस्थ भी रहेगा, ऐसा पानी घर घर तक पहुंचेगा। उसकी तैयारी चल रही है, टैंक भी बन रहे हैं, पानी जहां से लिया जाएगा वहां भी टैंक बन रहे हैं, और उसकी जांच परख कर पानी यानी उसकी शुद्धता का भी लैब है। ये सभी को देखते हुए एक गरीब के घर में पानी पहुँचे, नल के द्वारा पहुँचे और स्वच्छ पानी पहुँचे, इसी अभियान के तहत मैं भी और प्रमुख सचिव भी, सभी लोग, राज्य के अधिकारीगण भी, सब लोग लगे हैं कि जल्दी बुंदेलखंड को पानी दिया जाए। करोड़ों की परियोजना है, कुल मिलाकर सभी उत्तर प्रदेश के सभी घरों में पानी पहुँचाने का लक्ष्य है, और विशेषकर बुंदेलखंड के अंदर सबसे पहले बिंद और बुंदेलखंड में ही पानी पहुंचेगा। और जगह पानी पहुंच रहा है, लेकिन जो यहाँ प्रोजेक्ट चल रहे हैं ये हमें लगता है सितंबर तक सभी के घरों को पानी मिलना शुरू हो जाएगा। रामायण के पात्र अकेले हैं, क्या कहेंगे? तुम कहोगे वही हम।